आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं रिसेंटली एक राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है 21 मार्च 2024 का, जिसमें कि एक आरोपी जिसके कब्जे से 206 किलो गांजा जब्त हुआ था उसको बेल दी गई है। अब इस मामले में पुलिस की कौन सी गलती की वजह से आरोपी को 206 किलो गांजा, मतलब आप समझिए कि कमर्शियल क्वांटिटी से लगभग 10 गुना ज़्यादा था, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बेल ग्रांट किया है। केस की शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद लीगल प्रोविजन की चर्चा करूंगा कि आखिर क्या आधार है कानून में के किस शर्तों का पुलिस वालों ने उल्लंघन किया जिसका फायदा आरोपी को मिला और उसको बेल ग्रांट कर दी गई। अब आप ये समझिए कि जब ये मामला बेल के टाइम में उसको अगर बेल दे दी गई है तो निश्चित रूप से जब ये मामला ट्रायल में चलेगा तो आरोपी उस आधार पे बरी भी हो जाएगा। ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है कि जब चार्जशीट मुकदमे किया जाती है, पहली बात तो यह है कि मैं हर किसी को यही सलाह देता हूँ कि अगर NDPS के मामले में कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा का जो मादक पदार्थ है पकड़ाया है तो बिल्कुल आप चार्जशीट से पहले बेल एप्लीकेशन ना लगाएं, चार्जशीट के बाद ही बेल एप्लीकेशन लगाएं। और अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे इस मामले में 200 किलो गांजा था, आपको पता होगा कि गांजा के मामले में जो कमर्शियल क्वांटिटी है वो 20 किलो होती है, तो अगर 200 किलो गांजा है जैसे इस मामले में, अगर अन्य कोई मादक पदार्थ ज़्यादा क्वांटिटी में है तो केवल और केवल आप आर्गूमेंट कर सकते हैं बेल के टाइम में मुकदमे की कमी के आधार पे, मामले की मेरिट के आधार पे। अगर आप केवल कोर्ट को ये कहने जाएंगे कि सर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ट्रायल विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू कंक्लूड, ठीक है, एज पर आर्टिकल 21 दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, तो ये सब कुछ काम करने वाला नहीं है। आपको केवल और केवल आपको जो रिलीफ मिल सकता है वो बेल, जो आपका चार्जशीट है उसके मेरिट के आधार पे, उसमें पुलिस ने क्या कमियां किया है, क्या गलती पुलिस ने किया है, उस आधार पे आपको जल्दी बेल मिल सकती है। अब इस मामले के साथियों, इस केस का जो नाम है ये है लोकेश अहिर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जजमेंट को डिलीवर किया है और इस मामले की कहानी कुछ ऐसी थी कि इस मामले में एक डस्टर कार से दो लोग पकड़ाते हैं, पुलिस जब्त करती है, पता चलता है कि कार में 206 किलो गांजा था। उसके बाद पुलिस अपनी बाकी प्रोसीडिंग करती है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अब जब इस मामले में ट्रायल चल रहा होता है, ट्रायल में जो सीजर ऑफिसर है, मतलब जो जब्ती करता है, जब्ती करने वाले पुलिस अधिकारी के कोर्ट में बयान होते हैं, और जब कोर्ट में बयान होते हैं तो वो कोर्ट में क्या कहता है कि जो उसने गांजा जब्त किया था तो उसने सबसे पहले तो उसके अलग अलग बैच बनाए और उसके बाद उन सभी को मिक्स कर दिया। यही गलती किया पुलिस वाले ने, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडिंग ऑर्डर है 1/1988 का, उसका उल्लंघन किया यहाँ पे। उल्लंघन कैसे किया? देखिए, वो ऑर्डर ये कहता है कि आपको मिक्स तो करना है, लेकिन मिक्स करने से पहले आपको उसका कलर टेस्ट करना है कि क्या वास्तव में सभी जो पैकेट हैं वो सेम है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि 20 पैकेट पकड़ाए हैं वहाँ पे तो 8 में ही गांजा हो, बाकी में कोई दूसरा पदार्थ हो, कोई नारकोटिक्स का पदार्थ ना हो, तब तो अगर आपने मिक्स कर दिया तब तो फिर वो तो कमर्शियल क्वांटिटी से भी ज़्यादा चला जाएगा। तो इसलिए उसका प्रोविज़न ये कहता है सबसे पहले आपको जो कलर टेस्ट किट होती है, जो कलर टेस्ट किया जाता है जिसको हम यूरिन किट कहते हैं, उससे पहले आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद फिर आपको उसको मिक्स करना है। यहाँ पे यही गलती किया सीजर ऑफिसर ने और इसी गलती की वजह से हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसका वायलेशन किया गया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जब्ती है वो पूरी तरीके से सही है, इसलिए जो जब्ती है वो लीगल मानी जाएगी। इस आधार पे आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया गया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये जैसा इस जजमेंट में है कि आरोपी को बेल ग्रांट किया है केवल और केवल इस गलती की वजह से कि उसको कलर टेस्ट से, उसको यूएन से उसको टेस्ट नहीं किया। तो अगर आपका मुकदमा ऐसा है तो जितने भी रूल्स हैं NDPS एक्ट के जो बताए गए हैं, सबसे पहले आप उसको देखें कि चार्जशीट में किन किन पॉइंट्स में पुलिस ने गलती किया है, किन किन जो पैरामीटर्स है उनका कंप्लायंस नहीं किया है, तो आपको उस ग्राउंड में अगर आप आर्गूमेंट करते हैं बेल के समय तो आपको फ़ायदा मिल सकता है और आपको बेल भी जल्दी मिल सकती है। और साथ में ही जब ट्रायल चलेगा तो आपके बचने का भी यही आधार हो सकता है कि पुलिस ने ऐसी गलती किया है इन नियम के हिसाब से, NDPS एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से।